हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। आज की क्लास उत्तर प्रदेश प्रवक्ता चयन समाजशास्त्र सब्जेक्ट का एक टॉपिक है सामाजिक प्रक्रियाएं, जिसमें सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण, अनुकूलन, एकीकरण, ये सभी हैं। उसी से संबंधित आज का ये प्रश्नों की श्रृंखला है आज के। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर संस्कृति ग्रहण क्या प्रदर्शित करता है? बढ़ने के साथ साथ अपने समाज के मूल्य तथा मानकों का अभ्यांतरीकरण करना, किसी सांस्कृतिक तत्व की उत्पत्ति के केंद्र से अन्य समाजों में प्रसार, समाजों के बीच संस्कृति के तत्वों का आदान प्रदान, अन्य संस्कृति से संस्कृति के किसी तत्व का अपनी पहचान बनाए रखते हुए समावेशन। क्वेश्चन में है, पर संस्कृति ग्रहण क्या प्रदर्शित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, समाजों के बीच संस्कृत के तत्वों का आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाज में विधिक संस्थाओं का क्या अर्थ है? एकीकरण, अनुकूलन, प्रतिरूप, अनुरक्षण, लक्ष्य प्राप्ति। एक समाज में विधिक संस्थाओं का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, प्रतिरूप, अनुरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न संरचनात्मक घटक संगठित होते हैं कहलाती है, आत्मसात्करण, एकीकरण, सहयोग, समंजन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न संरचनात्मक घटक संगठित होते हैं उसे एकीकरण कहा जाता है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? हर्बर्ट स्पेंसर, लेविस कोजर, मैक्स वेबर, जॉर्ज फ्रेजर। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में मैक्स वेबर ने वर्णित किया है, ऑप्शन थर्ड। इस क्वेश्चन का कहीं कहीं पर आंसर लेविस कोजर को भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसात्मीकरण है आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया, राजनीतिक प्रक्रिया, ऐतिहासिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया? आत्मसात्मीकरण है यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष की प्रकृति क्या है? चेतन प्रक्रिया, वैयक्तिक प्रक्रिया, अनिरंतर प्रक्रिया, ये सभी? संघर्ष की प्रकृति क्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, ये सभी हो जाएंगे, चेतन प्रक्रिया, वैयक्तिक प्रक्रिया, अनिरंतर प्रक्रिया, ये सभी इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया सामाजिक प्रक्रिया का सबसे मुख्य प्रकार है, इसलिए इसे कहते हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल रिएक्शन, द सोशल प्रोसेस, इनमें से कोई नहीं। सामाजिक अंतःक्रिया सामाजिक प्रक्रिया का सबसे मुख्य प्रकार है, इसे
द सोशल प्रोसेस कहा जाता है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोगी या पृथककरण होने वाली सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? असहयोगी या पृथककरण होने वाली सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? सात्मीकरण, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सात्मीकरण। ये सहयोगी प्रक्रियाओं के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑकबर्न और नीमकॉफ सहयोग के निम्नलिखित प्रकार बताए हैं, निम्न में से कौन सा एक नहीं है? सामान्य सहयोग, विभेदीकृत सहयोग, मित्रवत सहयोग, ये सभी। ऑकबर्न और नीमकॉफ सहयोग के निम्नलिखित प्रकार बताए हैं, कौन सा एक सही है? तो ये तीनों ही सही हैं। ऑकबर्न एवं नीमकॉफ ने सहयोग के तीन प्रकार बताए थे, सामान्य सहयोग, विभेदीकृत सहयोग, मित्रवत सहयोग। ये तीनों हो जाएंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से उपजी सामाजिक परिस्थितियों से व्यक्ति एवं समूह सामंजस्य स्थापित करते हैं, यह कथन निम्न में से किसका है? पार्क एवं बर्गेस, W.H. Evans, लुंडबर्ग, लिंटन। समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से उपजी सामाजिक परिस्थितियों से व्यक्ति एवं समूह सामंजस्य स्थापित करते हैं, ये कथन है W.H. Evans का, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग के दो स्वरूप हैं, आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष, यह वर्गीकरण किसने किया है? मैकाइवर एवं पेज, किंसले डेविस, क्रोबर, रिउटर एवं हार्ट। आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष का वर्गीकरण किंग्सले डेविस ने किया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग का संबंध है मैं की भावना से, तुम की भावना से, वे की भावना से, हम की भावना से। सहयोग का संबंध होता है हम की भावना से, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिस्पर्धा सम्मिलित है? कुश्ती मैच, मोहन बागान तथा मोहम्मदम स्पोर्टिंग क्लब के मध्य फुटबॉल मैच, एक जनजाति तीरंदाजी प्रतियोगिता, प्रादेशिक लोक सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी। प्रतिस्पर्धा सम्मिलित है, तो इन चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा की झलक है, लेकिन जब चारों ऑप्शन एक जैसे हों तो उसमें जो सबसे सही ऑप्शन हो उसी का चुनाव करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर, प्रादेशिक लोक सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन में दिया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष ये आर्थिक श्रेणी में आता है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सहयोग की विशेषता है? संयुक्त प्रयास, असीमित, सीमित, ए और बी दोनों। निम्न में से कौन सी एक सहयोग की विशेषता है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, संयुक्त प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक प्रक्रियाओं को 38 भागों में बांटा है? ई ए रॉस, जी मेल, अर्नॉल्ड ग्रीन, गिलिन एवं गिलिन। सामाजिक प्रक्रियाओं को किसने 38 भागों में बांटा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ई ए रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया है? सामाजिक विघटन, एकीकरण, संघर्ष, ये सभी। सामाजिक प्रक्रिया कौन सी है? तो ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन ने सहयोग के किस प्रकार का उल्लेख नहीं किया है? द्वितीयक सहयोग, प्राथमिक सहयोग, तृतीयक सहयोग, प्रत्यक्ष सहयोग। तो ग्रीन ने तीन प्रकार के सहयोग दिए थे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्रत्यक्ष सहयोग की बात उन्होंने नहीं की। इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाजशास्त्री संघर्ष के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? डेहरेंडॉर्फ, लेविस कोजर, सदरलैंड, सीमेल। संघर्ष के सिद्धांत से कौन सा समाजशास्त्री संबंधित नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सदरलैंड। ये अपराध शास्त्र से संबंधित है, ये संघर्षवादी सिद्धांत से नहीं संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवींकरण सहयोग तथा समझौता को निम्न में से किस प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है? प्राथमिक संपर्क, जन संपर्क, सकारात्मक संपर्क, नकारात्मक संपर्क। सातवींकरण सहयोग एवं समझौता को सकारात्मक संपर्क के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन व्यवस्थापन के संदर्भ में है? यह हठीले समूह की तुष्टि है, यह आत्मसात की ओर ले जाता है, व्यवस्थापन संघर्ष को समाप्त करता है, यह एकीकरण की ओर एक कदम है। कौन सा कथन व्यवस्थापन के संदर्भ में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यह हठीले समूह की तुष्टि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रक्रियाएं समाज के सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधती हैं उसे कहते हैं? एकीकरण, सहयोग, सात्मीकरण, प्रतियोगिता। जो प्रक्रियाएं समाज के सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधती हैं उसे एकीकरण कहते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने विभिन्न प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, समायोजन तथा आत्मसातकरण का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? गिडिंग्स, लेस्ली, मैकाइवर एवं पेज, मेटा स्पेंसर। सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, समायोजन तथा आत्मसात का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, लेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन दो प्रकार के होते हैं, समन्वित समायोजन एवं उच्च कोट अधीनस्थ समायोजन। यह वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? गिलिन एवं गिलिन, ग्रीन, जे एच फिक्टर, लेस्ली।
समन्वित समायोजन के दो प्रकार, समन्वित समायोजन, उच्च कोट अधीनस्थ समायोजन, ये वर्गीकरण गिलिन एवं गिलिन ने प्रस्तुत किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। यहाँ पर चार परिभाषाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ समाजशास्त्रियों के नाम हैं, नीचे कोट दिया गया है। समायोजन अहिंसात्मक अनुक्रिया अथवा समंजन है। समायोजन अहिंसात्मक अनुक्रिया अथवा समंजन है, हार्टन एवं हंट। समायोजन शब्द खास तौर से उस प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिसमें मनुष्य अपने पर्यावरण से सामंजस्य की भावना पाता है, H.D. मजूमदार। समायोजन का प्रयोग समाजशास्त्रियों द्वारा विरोधी व्यक्तियों या समूहों के सामंजन को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है, मैकाइवर। समायोजन संघर्षशील व्यक्तियों या समूहों के बीच अस्थायी क्रियाशील सम्मति विकसित करने की प्रक्रिया है, अकबर एवं नीमकॉफ। समायोजन अहिंसात्मक अनुक्रिया अथवा समंजन है, ये परिभाषा दी है H.D. मजूमदार ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। और समायोजन शब्द खास तौर से उस प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिसमें मनुष्य अपने पर्यावरण से सामंजस्य की भावना पाता है, ये परिभाषा दी है मैकाइवर ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। समायोजन का प्रयोग समाजशास्त्रियों द्वारा विरोधी व्यक्तियों या समूहों के सामंजन को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है, ये परिभाषा दी है अकबर एवं नीमकॉफ ने। ऑप्शन फोर, समायोजन संघर्षशील व्यक्तियों या समूहों के बीच अस्थायी क्रियाशील सम्मति विकसित करने की प्रक्रिया है, ये परिभाषा हार्टन एवं हंट ने दी है। ऑप्शन फर्स्ट, तो इसका राइट आंसर है 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का सबसे अधिक महत्व है? संघर्ष, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, विविधता। सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का सबसे अधिक महत्व है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कथन गलत है। समायोजन प्रयत्नों का वह क्रम है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं ही अपनी आदतों और मनोवृत्तियों को नए सिरे से निर्माण करके परिवर्तित दिशाओं में सामंजस्य कर सके। समायोजन संघर्ष का स्वाभाविक परिणाम है। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अथवा समूह सहगामी एकता स्थापित करने के लिए अपनी विरोधपूर्ण क्रियाओं का उससे अभियोजन कर लेते हैं। समायोजन एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह समान भावनाओं, मूल्यों और उद्देश्यों में भाग लेते हुए एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। समायोजन प्रयत्नों का वह क्रम है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं ही अपनी आदतों और मनोवृत्तियों को नए सिरे से निर्माण करके
परिवर्तित दिशाओं में सामंजस्य स्थापित कर लेता है, ये ऑप्शन सही है। समायोजन संघर्ष का स्वाभाविक परिणाम है, ये ऑप्शन भी सही है। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति तथा समूह सहगामी एकता स्थापित करने के लिए अपनी विरोध पूर्व क्रियाओं का उससे अभियोजन कर लेते हैं, यह ऑप्शन भी सही है। समायोजन एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह समान भावनाओं, मूल्यों और उद्देश्यों में भाग लेते हुए एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, ये ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकरण की प्रक्रिया किन कारकों पर निर्भर है? समूह का आकार, शारीरिक गतिशीलता, समरूपता, ये सभी। एकीकरण की प्रक्रिया किन कारकों पर निर्भर है? तो इसका राइट आंसर है ये सभी, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कथन असत्य है। जब एक संस्कृत के प्रभाव से दूसरी संस्कृत की संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया की दौर में हो, तब इस प्रक्रिया को पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। सातवींकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वे व्यक्तियों के समूह जो पहले भिन्न थे अभिन्न हो जाते हैं, उनकी रुचियों, स्वार्थों और दृष्टिकोण में एक रूपता आ जाती है। जब एक वर्ग दूसरे वर्ग पर आधिपत्य जमाना चाहता है और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उससे ऊंचा उठना चाहता है, तो वह संघर्ष विकसित होता है। प्रत्येक समाज में संघर्ष नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन में पूछा था कौन सा कथन असत्य है। तो जब एक संस्कृत के प्रभाव से दूसरी संस्कृत की संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया के दौर में होती है, तब इस प्रक्रिया को पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं, ये ऑप्शन सही है। सातवींकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वे व्यक्तियों के समूह जो पहले भिन्न थे अभिन्न हो जाते हैं, उनके रुचियों, स्वार्थों और दृष्टिकोण में एक रूपता आ जाती है, ये ऑप्शन भी सही है। जब एक वर्ग दूसरे वर्ग पर आधिपत्य जमाना चाहता है और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उससे ऊंचा उठना चाहता है, तो वर्ग संघर्ष विकसित होता है, ये ऑप्शन भी सही है। प्रत्येक समाज में संघर्ष नहीं पाया जाता है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि संघर्ष प्रत्येक समाज में पाया जाता है। संघर्ष एक सार्वभौमिक घटना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सातवींकरण को प्रोत्साहित करने वाली दशा है? सहिष्णुता एवं प्रजाति मिश्रण, समीपता और सामाजिक संघर्ष, समान आर्थिक और सांस्कृतिक दशाएं, उपरोक्त सभी। सातवींकरण को प्रोत्साहित करने वाली कौन सी दशा है? तो ये सभी हो जाएगी, ऑप्शन फोर। सहिष्णुता एवं प्रजाति मिश्रण, समीपता और सामाजिक संघर्ष, समान आर्थिक और सांस्कृतिक दशाएं, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन में है, वर्तमान युग में सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों की समानता सातवींकरण के लिए एक आवश्यक स्थिति बनती जा रही है। जब दो या दो से अधिक समूह एक दूसरे के संपर्क में ना आए, तभी सांस्कृतिकरण सातवींकरण संभव है। सातवींकरण के लिए व्यक्तियों में सहिष्णुता का होना आवश्यक नहीं है। असमान समस्याएं सातवींकरण को प्रोत्साहन देती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। वर्तमान युग में सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों की समानता सातवींकरण के लिए एक आवश्यक स्थिति बनती जा रही है, ये ऑप्शन सही है। और
जब दो या दो से अधिक समूह एक दूसरे के संपर्क में न आए तो बिना संपर्क में आए सातवींकरण की प्रक्रिया संभव नहीं है। यह ऑप्शन गलत है। सातवींकरण के लिए व्यक्तियों में सहिष्णुता का होना आवश्यक नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। असमान समस्याएं सातवींकरण को प्रोत्साहन करती, ये ऑप्शन भी गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? व्यवस्थापन संगठनात्मक प्रक्रिया है, व्यवस्थापन विघटनात्मक प्रक्रिया है। व्यवस्थापन से तात्पर्य संघर्ष की स्थिति में व्यक्तियों या समूह में सामंजस्य स्थापित करना है। दो मित्रों में झगड़ा हो जाने पर राजीनामा हो जाना व्यवस्थापन की प्रक्रिया का उदाहरण है। कौन सा कथन असत्य है? व्यवस्थापन संगठनात्मक प्रक्रिया है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन ने निम्नलिखित में से किस प्रकार के सहयोग की अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में चर्चा नहीं की है? प्राथमिक सहयोग, प्रत्यक्ष सहयोग, द्वितीयक सहयोग, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीन ने तीन प्रकार के सहयोग बताए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सहयोग। प्रत्यक्ष सहयोग की बात उन्होंने नहीं की है। ऑप्शन सेकंड इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग्सले डेविस ने निम्नलिखित चार विकल्पों में से किस एक की पृथकता को प्रकारों में सम्मिलित नहीं किया है? पूर्ण पृथकता, उद्देश्यपूर्ण पृथकता, आंशिक पृथकता, सीमित पृथकता। किंग्सले डेविस ने निम्नलिखित चार विकल्पों में से किस एक पृथकता का उल्लेख नहीं किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर। किंग्सले डेविस ने पूर्ण पृथकता, उद्देश्यपूर्ण पृथकता और आंशिक पृथकता की बात की है, सीमित पृथकता की बात उन्होंने नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक समायोजन की पद्धति नहीं है? बल प्रयोग और समझौता, सहनशीलता और युक्तिकरण, युद्ध एवं आतंकवाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। समायोजन की कौन सी पद्धति नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, युद्ध एवं आतंकवाद। ये समायोजन के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? जी एस घुरिए, मैक्स मूलर, कार्ल मार्क्स, रेमंड एरोन। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथकता के तीन प्रकारों की चर्चा किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में की है, निम्न में से किसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया है? पूर्ण पृथकता, आंशिक पृथकता, उद्देश्यपूर्ण पृथकता, सामान्य पृथकता। तो किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में पूर्ण पृथकता की बात की है, आंशिक की बात की है, उद्देश्यपूर्ण की बात की है, सामान्य पृथकता की बात नहीं की है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य निम्नलिखित में से किसके माध्यम से अपनी क्षमता, प्रतिभा व समूह का विकास करता है? विघटनात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से, उपरोक्त में से कोई नहीं।
मनुष्य निम्नलिखित में से किसके माध्यम से अपनी क्षमता, प्रतिभा व समूह का विकास करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सहयोग के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहगामी प्रक्रियाओं में हम निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को सम्मिलित नहीं कर सकते हैं? प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, प्रतिकूलता, असमानता। असहगामी प्रक्रियाओं में प्रतिस्पर्धा है, संघर्ष है, प्रतिकूलता है, असमानता नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर, असमानता। ये स्तरीकरण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में सामाजिक क्रियाओं की इकाई एक व्यक्ति को मानते हुए उसके तीन तत्व बताए हैं। निम्न में से कौन सा तत्व उसके द्वारा नहीं बताया गया है? कर्ता, स्थिति, परिणाम, उद्देश्य। पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में सामाजिक क्रियाओं की इकाई एक व्यक्ति को मानते हुए उसके तीन तत्व बताए हैं। निम्न में से किस तत्व का उन्होंने नहीं बताया है, किस तत्व को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, परिणाम। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। थैंक यू।